गुर सिखा मन वधाइया जिनी मेरा सतगुर डिठा राम रचे। वधाई कादी ए बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआणे वाले महापुरखां दा बचन है। कहिंदे जिहदी सेवा तो गुरु खुश होवे उहनूं की दिंदा ते आप ही बचन करना। कहिंदे जिहदी सेवा तो गुरु प्रसन्न हो जाए उहदी झोली च होर सेवा पा दिंदा है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ते तुहाडी सारिआं दी सेवा ते गुरु रामदास त्रुट पए ने, बाबा दीप सिंह जी त्रुट पए ने। तुहाडी झोली दे विच इक वड्डी सेवा पाती होर, उह पता की? हरिमंदर साहिब दे बिल्कुल कोल पापड़ां वाला बाजार है। सब नूं पता है जिहड़े अमृतसर शहर तों जाणो, 2 मिंट दा पैदल रस्ता है दरबार साहिब तों। उत्थे 300 गज जगह सरां दे वास्ते गुरु रामदास जी ने तुहाडी सारिआं दी झोली च पा दित्ती है। साई आपां देती है, बयाना हुण 10 तरीक तक करवाउणा है महाराज जी दी मेहर दे नाल। ते 1 लख रुपया इक उत्थे 1 गज दा भाअ है जगह दा। 300 गज जगह है, तकरीबन 3 करोड़ दी ओह जगह आ। खुतन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते तकरीबन 4-5 महीनिआं तक ओहदी रजिस्ट्री होएगी। ते मेरी बेनती सारी संगत दे चरणां दे विच, इह 4-5 महीने बाकी दे कम्मां नूं संकोच लो ते दसवंध वल वध तों वध ध्यान दे के 1 लख रुपया 1 गज दा उत्थे रेट है। 1 गज की सेवा कोई कर सके चंगी गल, अद्धे गज की, अद्धों अद्धे गज की 10 शरीर मिलकर सेवा कर लो, 20 शरीर मिलकर सेवा कर लो। जदों घर दे विच लोड़ होवे फिर सारे मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दें, फिर गुरु की खुशी मिलती है। तो उत्थे कोई मेरा घर नहीं बनना, उत्थे सरां बननी जिहड़ियां संगतां ने आउणा हरिमंदर साहिब दर्शन इशनान वास्ते। ते प्यारेओ जदों संगत दी रिहायश दी फिक्र तुसी करोगे ना, सच्ची गल कहना, लोक विच ते परलोक विच तुहाडे पर्दियां नूं ढक्कण दी जिम्मेवारी गुरु रामदास अपनी झोली च पवा लैणगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। भाई आदम ने संगत दी सेवा कीती सी, सेवा औलाद नहीं सी घर दे विच, पर मरन नूं एडा फिक्र लग गया, आदम तूं एडी भावना नाल सेवा कीती, तेरे कर्मा च पुत नहीं पर तेरे नाल बचन करदे आ, हुण साडा चौथा पुत साडे घर नहीं आएगा, तेरे घर आएगा। नाम भाई भगतू रखी बड़ी करनी ते कमाई वाला होएगा। ये मेरी बेनती है, वड्डा कुंभ सेवा दा मरण होर झोली च पाता है। ते ए अपने अपने दसवंध विचों जिवें जिवें तुहाडे अंदरों आवाज आवे, 1 गज की, 2 गज की, 5 गज की सेवा, अद्धे गज की, उत्तों अद्धे, जिवें जिवें गुरु तुहानूं प्रेरणा करे, ये 4-5 महीने मोढे नाल मोढा जोड़ के पूरा साथ दिओ। मैं सारियां गल्लां तुहाडे नाल खुल्लियां कर लैणा। 10 तरीक तो पहले पहले तकरीबन 60-70 लख रुपया आपां देना है, बयाना करवाउणा है। उस तो बाद फिर टाइम मिल जाना है। तो यह मेरी बेनती, पूरा हल्ला ला दिओ, पूरा जोर ला दिओ, तां जो ये सारे सरां दे कारज समय सिर होण। और उत्थे फिर वो सारी शुरू करिए। 1 लेंटर पिया होया महाराज जी की मेहर नाल, एक कोशिश करांगे 1-1.5 महीने बाद एक प्रोग्राम उत्थे रख लांगे, सारी संगत की निगाह भी चरण भी पै जाएंगे ते तुहाडे ध्यान में आ जाएगी वो जगह सारिआं दे। ते दरबार साहिब तों पैदल 2 मिंट का राह है पापड़ां वाले बाजार, उत्थे 300 गज जगह मिली है महाराज जी की मेहर के नाल। ते तुसीं असीस देणी, ये सारे कार्ज समय सिर ते गुरु की बख्शिश का सदका होण। अकाउंट डिटेलां जो टीवी स्क्रीन के उत्ते चलदी हैं, किसी भी अकाउंट से सेवा पा के ट्रस्ट के नंबरों पर तुसी दस सकते हो, ता जो तुहानू रसीद सत्कार भेजा जा सके। अपनी सेवा सानू फोन पे गूगल पे भी कर सकते, वह भी नंबर टीवी स्क्रीन पर चलता है। 19 अक्तूबर को आना गुरु रामदास जी का अवतार दिहाड़ा, 19 अक्तूबर को। तो उस संबंध के क्योंकि 2 बारी खुले पाठां की सेवा सारी संगत करती है रल मिल के, 19 अक्तूबर को दिहाड़ा महाराज का। पर 27 अक्तूबर को जो चुपहरा होना है ना, वो आप गुरु रामदास का गुरपुरब मना। गुरु रामदास जी के आगमन पुरब के संबंध के प्यारे हो, आपो अपने घर खुले पाठां दी लड़ियां शुरू कर दे। एक सहज पाठ एक परिवार जरूर करे, ये मेरी बेनती। जिहड़ा सहज पाठ नहीं कर सकता, 10 पाठ 1 मैंबर रोज़ के जपजी साहब के करने शुरू कर दौ, रोज़ के 1-1 मैंबर। तो 5 जी ने 50 पाठ हो गए रोज़ के, इस तरह लड़ी शुरू कर दौ। हुण भावें सुखमनी साहब के 2 पाठ कर लो रोज़ के 1-1 मैंबर, भावें तुसी मूल मंत्र दियां 1 ओंकार तो नानक होसी पी सच तक दियां 6 माला 1-1 प्रेमी रोज़ फेरनियां शुरू कर देवे। 1 कापी ला लो
कापी दे उत्ते रोज शुकराने दे विच लिखना है इन्नी सेवा गुरु रामदास जी ने मेरे गरीबनी कोलों मेरे गरीब कोलों नितनेम करन दी लई है जी। वो जिन्ना जोड़ बनेगा 25 अक्तूबर नूं तुसीं उह दित्ते नंबरां दे उत्ते अपनी गिनती लिखवाउणी खुले जाप दी ते 27 अक्तूबर नूं चुपहरे दे विच उह अरदास होएगी गुरु रामदास जी दा आगमन पुरब मनाउणा है 27 अक्तूबर नूं उहदी फिर अरदास होणी महाराज जी दी मेहर दे नाल। और एडा जदों जप तप बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी की कृपा नाल तुसीं कीता होएगा इन्ने जप तप की जदों हाजरी लगेगी ना संगत दे विच पता नहीं किन्ने क बंधन गुरु रामदास ने उस दिन कट्टने साडे आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास। एक आम बच्चे का भी जन्मदिन होवे कुछ ना कुछ वंडदा जरूर है वह तो गुरु रामदास का आगमन पुरब आपां मनाउणा है बख्शिशां उन्हें देनिया ही देनिया ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਬਈ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਔਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਖੋਣ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਚੰਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ 8-10 ਮਿੰਟ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
अकाल मूरत अजूनी सेवा गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु राम दास जी मैं तेरा Bye.
फिर बेनती जिन्हां ने अजे तक ए समागम दा लिंक शेयर नहीं कीता वड्डी सेवा है अगे तो अगे लड़ी ना लड़ी जोड़ो जी और जेड़े इस वेले इस लड़ी दे नाल जुड़ चुके ने उन्हां नूं बेनती बिल्कुल सावधानता दे नाल जिवें मैं कल किया सी भावना एहो ही बनायो कि असी गुरु रामदास जी दी गोदी विच बैठे होए हां आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी और बच्चियां नूं बाकी परिवारक जीआं नूं भी नाल बिठाउणा ना भुल्लिओ जे दुकान दे उत्ते समां मिल गया इस वेले कोई गाहक नहीं जिन्ने भी तुहाडे कम करन वाले सब नूं नाल बाड़ो दफ्तर च बैठे हो समा है एक डेढ़ घंटे का पता खाली समय सारिआं नूं नाल बिठा लो ये बेनती है असी गल्लां रोज करते हैं चंगा इंसान बनन दियां नेक इंसान बनन दियां मैं कई बार ये बेनती करदा सिख हिंदू मुसलमान ईसाई असी सब कुछ बाद च हैं पहले चंगे बंदे बनीए नेक इंसान बनीए ते नेक इंसान बनन दे लई तीन गल्लां अज फिर मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी पहली गल ध्यान नाल सुणियो मेरी बेनती एक महापुरख बैठे सी महापुरखां दे कोल एक बंदा गया ते जाके कहिंदा महापुरखो
मैं अपने पुत्र कोलों अपनी नूह कोलों दुखी हाँ। सुनन वाली गल से आम तौर पर असं कह दें कि जी मेरा पुत्र व्याया गया हूँ मेरे कहने च नहीं मैं पुत्र तो दुखी हाँ मैं नूह तो दुखी हाँ। आम घर घर की यह कहानी है। वह जाके महापुरखा कहता मैं अपने पुत्र कोलों अपनी नूह कोलों बड़ी बड़ा दुखी हाँ ते कृपा करके मैं एहो जिहा गुण दसो जिदे नाल मैं घर विच रहिंदी आं सुखी हो जावा। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी परिवार विच रहिंदी आं मैं सुखी हो जा नूं पुत्रां तों जिहड़ा मैं दुखी आं दुखी होण वाला सिस्टम मुक जे मैं सुखी हो जा। ते उस वेले महापुरख पता की कहिंदे कहिण लगे प्यारिया जे घर ग्रस्त विच रह के सुखी होना चाहुंदा है ना ते चार चीजा अपने पले पक्कियां गंढ दे के बन ले। चार चीजा हिरदे दे विच गंढ दे के पक्के तौर ते बन ले। ओ कहिंदा जी केड़ियां चीजा वेखो घर घर दे विच अज कलेश ने बंदा कहिंदा मैं पुत्र तो दुखी मैं नूह तो दुखी पर महापुरखां ने जिहड़े चार ढंग दसे ने मैं कहना साढ़े अंदर भी बदलाव लियाउणगे और जेड़ा मन हर वेले कल्पदा रहिंदा है ना मैनू इउं लगदा है थोड़ा बहुत एक कल्पना मुक्त हो जाएगा। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी प्यार ना लखो ना जी धन बाबा दीप सिंह। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਸੁਣਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਬਿਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਕ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਉਨੇ ਝਗੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤੀ ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਾੜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਏਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्योर न लखो न जी धन बाबा। एक गल्लां दीआं गहराईआं नूं ना आराम नाल बह के विचारे हो, यूट्यूब दे उत्ते जाके वार वार इह चीजां तुसीं सुणनीआं ने। फिर मैं रिपीट कर रहा, महापुरख कहिंदे पहला कम जे परिवार दे सन्मान चाहुंदे हो ते अपने आप नूं व्यस्त रखो, कदी खाली हथ ना बैठो, कोई ना कोई कम करदे रहो जिहदे नाल तुहाडी उपयोगता, तुहाडा सत्कार परिवार दे विच होर वधेगा। होर ते दूजा घट तों घट बोलो, जिन्ना घट बोलोगे उन्ना वधिया माहौल रहेगा। ज्यादा बोलण दे नाल घर दा माहौल विगड़न दा खतरा है ते तुहाडी शक्ति भी तुहाडी बुद्धि भी दोवें कमजोर पैंदियां जाणगियां चीजां। ते अगली गल कही महापुरखां ने कहिंदे तीजी गल बिना मंगिया सलाह ना देना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, क्योंकि बिरध होण तों बाद करता धरता परिवार दे तुसीं नहीं रहेगे, जिम्मेवारी बच्चियां ते आ गई। ते जे बिना मंगिया सलाह दोगे ना वह कहणगे ये तो बुढ़ा एवं बोली जांदा है। इदां ही कहिंदे ने बच्चे, अजकल सुभाव बन गया इन्हों का, तो सुभा ही है बोली जाना। असी क्या भी कुछ नहीं, असी मंगी भी नहीं सलाह, ऐसे एवं सलामा दे जाते, वो नाल भी इज्जत घटती है वधदी नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, क्योंकि करता धरता हुण तुसीं नहीं रह गए, बच्चे ने ते वो तुहाडी सलाह सुनना पसंद ही नहीं करते। हाँ जिथे आके अड़न, जिथे आके उन्होंने कोई प्रॉब्लम आवे, तुहाडे कोलों सलाह पुछण, सलाह मंगण फिर जरूर दिओ, पर बिना मंगिया सलाह किसी ने नहीं देनी जे सुखी रहना चाहते हो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्योर न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह ते कहिंदे चौथी गल, शरीर ते मन इन्हां द्वारा बच्चियां दीआं जां परिवारक मैंबरां दीआं गल्लां नूं सहण की आदत पालो, सहण दी सहण शक्ति अपनी वधा लो। है जी, जदों सहन शक्ति वधेगी ना ते इहदे नाल परिवार सारा एकजुट रहेगा। सहनशीलता दे विच एडी ताकत है कि सारे परिवार नूं एकजुट रख सकदा है। ते जे तुहाडे अंदर सहनशीलता नहीं ना, बर्दाश्त मादा नहीं, बर्दाश्त शक्ति नहीं, ते फिर परिवार अज नहीं ते कल टुटेगा ही टुटेगा। खो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, सच्ची गल प्या दियो। ये चार गल्लां महापुरखां ने उस बंदे नूं नहीं दसियां, सानू भी समझाईयां ने। जिन्हें तुसी इस वेले लाइव के माध्यम राही जुड़े हो ना, मेरी निम्रता सहित बेनती है, ये चार चीजा हौली हौली अपने अंदर धारण करन दा यतन करिए। वेखियो फिर परिवार दे विच रह के भी दुखी नहीं होवांगे, फिर पुत्रां दीआं गल्लां भी सानू पिंच नहीं होणगीआं, नूं दीआं गल्लां भी पिंच नहीं होणगीआं। लगेगा मेरी धी कह रही है मैनूं, ये मेरी धी है, नूं नहीं है। है जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा। दीप सिंह, ये चार गल्लां जरूर जीवन दे विच ढालण दा यतन करियो जे परिवार विच रह के सुखी होना चाहुंदे हो। अगली गल सुणियो, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा। ये गल भी पहली गल नाल थोड़ी मेल खा रही है। हुण गल सुनन वाली जी, बंदा ना दूजियां नूं सुधारण दे लई उहनां दे दोष वेखदा, मैनूं सुधारना है, सुधारना किवें, उहदी गलती वेखी, इहदे च आह कमी, इहदे च आह कमी है, दोष वेखदा ते आलोचना करदा है, ते परिणाम पता की हुंदा है, दूजियां दे दोषां दा सुधार ते हुंदा कोई नहीं। लगातार दूजियां दे दोष वेखण दे करके, दूजियां दे औगण वेखण करके, वह औगण अपने अंदर भी आने शुरू हो जाते। फिर मैं दोहरा रहा, कई बारी बंदा दूजियां नूं दोष मुक्त करन दे लई सुधारण दे लई तुर पैंदा, मैनूं सुधारना है, इहदे अंदर आह कमी है, इहदे अंदर आह कमी है, इहदे अंदर हंकार है, इहदे अंदर निम्रता नहीं, इह बहुत बोलदा, इहदे अंदर फलानी कमजोरी है, फलानी कमी है। हुण दूजियां दीआं कमियां सुधारन आपां तुर पए ते प्यारिओ लगातार दूजियां दीआं कमियां सुधारन वल दिमाग ला लिया, उहदे अंदरों आह वी कमी कढणी, उहदे अंदरों आह वी कमी कढणी, उहदे अंदरों आह वी कमी कढणी, उहनां दे अंदर ते कमियां दा सुधार होया नहीं, उह दोष मुक्त नहीं होए।
पर दूजियां दे दोष हर वेले तू चिंतन करी जा रहे हैं दूजियां दे दोषां दा वो दोष वो औगण तेरे अंदर आने शुरू हो गए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा ते हौली हौली फिर अपने दोष बंदे नू वेखने बंद हो जांदे ने, अपने दोष अपने औगण वेखने बंद हो गए, दूजियां दे दोष वेख रहे हैं ओ कमियां अपने अंदर भी आ गई पर अपने औगण अपने दोष विखने बंद हो गए ते जिदे नाल होया कि बंदे दा पतन होना शुरू हो जाता दिन ब दिन ढेंदी कला वल जान लग पैंदा है जी ढेंदी कला वल। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, दूजियां दे दोष वेखदा कहिंदा मेरे अंदर नहीं मेरे अंदर ते गौणे मैं दूजियां नूं सुधारना है, पर प्यारे हो ये हुंदा कि ये दूजियां नूं सुधारना है मेरे अंदर औकण नहीं यह चीज का अभिमान अंदर वधना शुरू हो जाता है, दोष अपने अंदर वधने शुरू हो गए, दोष वधदे रहिंदे ने ते अपने दोषां नूं वेखण की आदत फिर छुट जाती है ते आप वड्डा दोषी बन जाता है बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि जे तुहाडे बच्चे ने या परिवारक जी उन्हां नूं गलती दे उत्ते सुधारो ना उन्हां नूं समझाओ ना, पर प्यारिओ बिना वजह दी रोक टोक बिना वजह दे आरोप बिना वजह दूजियां दे विच दोष वेखणे आ सुभाअ दा त्याग कर दईए, सुखी रहना चाहुंदे आ सुभाअ दा त्याग करो, दूजियां दीआं गलतियां उन्हें आ कीता उन्हें आ क्यों नहीं कीता उहदा जीवन इहो जिहा उहदा जीवन इहो भाई जो जिहड़ा कर्म कर रहा है उहदे कर्म ने तू उहदे कर्मां करके अपने कर्म खराब ना कर, अपने कर्म खराब ना कर, जिन्ना समा तू इस कम विच एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना उन्ना समय दे विच तू एक सुखमनी साहब कर सकदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, उन्ने समय दे विच तू बाबा दीप सिंह दे चरणा दा ध्यान धर के अपनी नेड़ता होर वधा सकदा है होर अपने जीवन नूं उच्चियां वल ले जा सकदा है। हां जी प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। मैं अगे भी कई बारी कहना कल भी कहा सी जिहड़े लाइव दे माध्यम राही जुड़े मैं तुहाडी आवाज नहीं सुन पा रहा, मेरी आवाज भी तुसी सुनदे हो मैनू वेख भी रहे मैं तुहानू वेख भी नहीं पा रहा सुन भी नहीं पा रहा पर तुहाडी पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे तक पहुँचती है, ओही वाइब्रेशन कीर्तन भी कराउंदी है कथा भी कराउंदी है, ओही वाइब्रेशन जदों असीस रूप होके वरतदी है इहो जे बोल मेरे कोलों बुलवा देंदी जिहड़े कदी मैं सोचे भी नहीं हुंदे, तुहाडी पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे तक पहुँच रही है जी। तो मेरी बेनती जिथे जिथे बैठे हो जिन्ना जोर ला सकदे हो ते प्यार नाल ते जिन्ना जोर ला सकदे हो जोर ला के गूंजवी आवाज विच आखो धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ये मेरी बेनती है प्यारे हो दूजियां नूं सुधारण दी जगह अपने आप नूं सुधारो, अपने आप दूजियां नूं सवारण तों पहला अपने आप नूं सवारो फिर तुहानूं कहण दी लोड़ ही नहीं पैणी भी सुधर जा, कईआं ने तुहाडे वल वेख के सुधरन लग पैणा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। महाराज ने किते भी दूजियां नूं सुधारण दी सवारण दी गल नहीं कीती, महाराज की कहिंदे कहिंदे आप सवारे मैं मिले सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। पहले अपने आप नूं सवार, अपने आप नूं सुधार, अपना जीवन उच्चा चक, सिखी दा प्रचार सच्चाई है रौला पा पा के नहीं होना, सिखी दा प्रचार उची उची बोल बोल के नहीं होना, सिखी दा प्रचार होना है वखा के वो जितनों दी भी तू लंघे लोकी कहण जे बनना है ते इहदे वर्गा बनना है। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह। एक गल होर सुन लो फिर आपां शब्द पढ़ांगे। जे जीवन दे विच कुछ करना है ना जित हासिल करनी है, सुने हर कोई बंदा अपनी लाइफ दे विच जितना चाहुंदा है अगे लंघना चाहुंदा है, चंगी गल है लंघो अगे अच्छी गल है, बच्चे पढ़ाई करदे ने अगे लंघन चंगी गल है, कोई खिडारी अगे लंघे चंगी गल है, कोई कीर्तन दी फील्ड विच अगे वधे चंगी गल है, हर बंदा अगे वधना चाहुंदा है वधना चाहीदा है,
पर जे जित हासिल करनी अगे वधना ना ते मेरी बेनती है कुछ करना है ते डट के चल थोड़ा दुनिया तो हट के चल। आखो धन गुरु रामदास जी बड़े प्यारे बोल ने सुनियो कुछ करना है ते डट के चल थोड़ा दुनिया तो हट के चल। दुनिया तो हट के चलन का मतलब कि जो सारे सुते होंगे उदो बह जा अपने परमेश्वर के ध्यान च हट के चल जी। धन गुरु रामदास जी लोकी प्रेरणा करते ने माड़े पासे वल तुर तू हट के चल भी माड़े पासे मैं नहीं जाना मैनू दो घंटे का समा मिल गया हूं मैं संगत में जाके बहना हट के चल जी। एक घंटे का समा दुकान के उत्ते मिलिया मैं दुनिया तो हट के चलना है। लोकी निंदिया चुगली विच समा बतीत करते ने मैं पंज पड़ जपजी साहब दे हाजरी ला लेने। आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास प्यार न लखन जी धन बाबा ते अपनी फील्ड दे विच मेहनत भी पूरी करनी मेहनत ठट ठट के करनी ठट ठट के है जी। ये मेरी बेनती है कदी भी आलसी ना बने टट के मेहनत करो जेड़ी भी तुहाडी फील्ड है तुहाडी मेहनत दे उत्ते गुरु दी रहमत वरतेगी ही वरतेगी अज नहीं ते कल। सुनियो कुछ करना है ते डट के चल थोड़ा दुनिया तो हट के चल किस्मत दे उत्ते ते सारे चल लेंदे ने कदी इतिहास नू भी पलट के रख। आखो धन गुरु रामदास जी गुरु राम कदी इतिहास नू भी पलट के चल इतिहास पलट के विखा इतिहास पलट के विखा इतिहास उन्हां दे बणदे ने प्यारे जिहड़े उद्यमी लोग ने जनून अपने अंदर इहो जिहा रखो। कई लोग ने जिहड़े लोकां दा इतिहास पढ़दे ने चंगी गल है पर जीवन इहो जिहा बनाओ आउण वाले समें च तुहाडा इतिहास बने ते लोकी तुहाडे बारे पढ़न वी कोई आया सी धरती दे उत्ते जिहदे अंदर बड़ा जनून सी जिन्ने आ मेहनत कीती अपनी फील्ड दे विच। सुणियो कुछ करना है ते डट के चल थोड़ा दुनिया तो हट के चल किस्मत ते उत्ते ते सारे चल लेंदे ने कदी इतिहास नू पलट के चल बिना कम तो मुकाम किहो जिहा जे बिना कम नहीं करेगा कम कीते तो बिना मुकाम तू हासिल कर ही नहीं सकता बिना कम दे मुकाम किहो जिहा बिना मेहनत दे दाम किहो जिहा है जी। मेहनत नहीं करेगा कितों पैसे आ जाएंगे कितों तेरी वक्त पाएगी। लोगों ने कहना है ते आलसी बंदा वेलड़े वेलड़े। सुनियो आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जद तक ना हासिल होवे मंजिल ते राह विच आराम किहो जिहा है जी। जब तक मंजिल नहीं ना मिलती आराम नहीं दिने रात वग नदियां वगदियां ने दिने रात वगदियां ने दिने रात लेंदियां ने अपने समुंदर माही नू मिलन दे लई। ए नहीं हुंदा दिने वगणी शुरू होई नदी दे राती कवे मैं रुक जां दिने रात ते नदियां दे राह दे विच जदों कोई रुकावट भी आउंदी है ना पत्थर आ गए पत्थरां तों घबराईयां नहीं जोर दी पानी वज्जिया पत्थरां दे नाल ते अगे जाके स्पीड होर तेज कर ली। आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास ओ जिंदगी दे विच जे रुकावट आ ही गई कोई ते उस रुकावट नू गुरमत अनुसार उस रुकावट नू अपनी लाइफ दे विचों दूर करन दा यतन कर ते उस तों बाद अपनी स्पीड होर तेज कर लै होर तेज। धन गुरु रामदास जी गुरु राम आराम ने ये बाबा नंद सिंह साहब दा वचन ने केंदे भिखारी की ते मान की सिख की ते आराम की है जी। भिखारी मान करी जावे हुण मैं ते भिखारी हां सच्ची गल बोलां असीं सारे भिखारी हां अपने मालक दे ते जिहड़ा मंगता होवे ओह मान कादा करे मान कादा भावें मंगता करोड़ा पति क्यों ना होवे अरबा पति क्यों ना होवे अपने मालक नू ना भुले दिता ते उन्ने आ। आखो धन गुरु रामदास जी जदों ए गल याद रखेगा ना मेरे मालक ने मैनूं सब कुछ दिता फिर अंदर माण आएगा ही कोई नहीं। भिखारी की ते मान की सिख की ते आराम की सिख आराम ने आराम नहीं हाँ जिन्ना कु लोड़ अनुसार पांच छे घंटे सत घंटे तू सुता है वो आराम कर लिया बाकी टाइम बस हर वेले आलस बाके बैठा रहे ए नहीं
हर वेले बस भजदा रह भजदा रह कम कर कर मेहनत कर अमृत वेला संभाल उस तो बाद जे टाइम मिले संगत दी सेवा विच हाजर हो जाओ कदी इधर रुड़ जाओ कदी उधर रुड़ जाओ कदी टाट विछा लै कदी जोड़े झाड़ लै कदी लंगर बरता कदी लंगर बना कदी जूठे भांडे मांज लै आराम नहीं है जी प्यार ना लख न जी धन बाबा दीप संगत नु जोड़न दियां स्कीमां बनाई जा मैं ये काम करना है मैं आ काम करांगा संगत होर जुड़ जाएगी मैं इतना उपराला करांगा होर बच्चे जुड़ सकते हैं होर संगत जुड़ आराम नहीं है जी जब तक ना हासिल होवे मंजिल ते राह विच आराम के हो जिया अर्जुन वांग निशाना रख मन चे ना कोई बहाना रख मन चे उन्हें निशाना रख लिया सी ना मच्छी दी अख दा बस अपने निशाने वाल ध्यान सी उहदा निशाने वाल उहदी अख वाली वेखी जांदा सी पानी दे विचों ओ निशाने वाल अपना ध्यान रख दुनिया जो मर्जी कही चले जो मर्जी कही चले भगतां नूं नहीं छड्डिया दुनिया ने प्यारियां नूं नहीं छड्डिया गुरु साहिबानां नूं नहीं छड्डिया लोकां ने ते कही जाणा है पर अपने निशाने वाल ध्यान रख अपने निशाने वाल आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास मेरा निशाना की मैं गुरु रामदास की खुशी लैनी मेरा निशाना की मैं बाबा दीप सिंह की खुशी लैनी मेरा निशाना की मैं संगत की खुशी लैनी मेरा निशाना की मैं शहीदां की महापुरखां की रंग रतड़ियां रूहां की खुशी लैनी बस आ निशाने वाल ध्यान रख दुनिया जो मर्जी कही चले तू साफ हिरदे नाल चल तू कर्म अपने सही कर अपने कर्म सही रख किसी की परवाह करने की लोड़ नहीं अपने कर्म सही रख जेड़े अज तेरे विरोधी ने ना जेड़े तेरी अज निंदिया करते ने ना समा पा के ये भी तेरे पैरी पै जाएंगे आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी बस ओदी नजर सवली चाहिदी है ओ वल चाहिदा है तेरे कर्म सही होने चाहिए ने तेरे कर्मां दे विच खोट ना होवे अंदर तेरे सच्चाई होवे फिर चलदा चल चलदा चल अर्जुन वांग निशाना रख मन दे विच ना कोई बहाना रख मन दे विच जो लक्ष्य सामने है बस अपना ठिकाना रख ओदे उत्ते बस ओदे वल्ली बस हर वेले ध्यान होवे सोच ना साकार कर कल्ला सोची ना जा आया भी करांगा वह भी करांगा वह भी करांगा वह भी करांगा सोच ना साकार कर ते अपने कर्मां दे नाल प्यार कर चंगे कर्मां दे नाल प्यार कर मैं आ कम करना है मैं वह कम चंगा करना है मैं इदां करना है अपने चंगे कर्मां दे नाल प्यार कर ते फिर मिलेगा तेरी मेहनत का फल किसी होर दा ना इंतजार कर फिर तैनू तेरी मेहनत का फल देंगे वह मेहनत के फल के नाल नाल ओदी रहमत भी विच शामिल हो जाएगी फिर मेहनत के फल तो छोटे रह गए फिर ते सोच तो परे दीआं गल्लां हो जाणगीआं जो चले सी कल्ले उन्हां दे पिछे अज ने मेले है जी जेडे चले सी कल्ले गुरु बाबा नानक कल्ले तुर पे कल्ले ही दो ही साथी नाल लए ने ना कोई जमात एड्डी वड्डी थोड़ी नाल रही है पर करामात एहो जी करती बाबे ने पूरे वर्ल्ड नू चेंज करके विखाता जेड़े चले सी कल्ले उन्हां दे पिछे ने अज मेले ते जेड़े करदे रहे ने इंतजार जिंदगी दे विच अज भी उन्हां दे ने चमेले जिहड़े इंतजार ही करदे रहे चंगा समा आएगा जी फिर करांगे फलाने वेले करांगे जदों अगले महीने तो शुरुआत कर लांगे चल 15 दिनों तो शुरुआत कर लांगे ओ च मेलियां च फसे रह गए ते मेले उन्हां दे पिछे लगदे ने जिहड़े कल्ले चलण दा बल रखदे ने कोई नहीं की हो जाएगा ए रिजल्ट निकलेगा कोई परवाह नहीं आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी कबीर सब कल्ले ही निकले ने सारा आला दुआला उल्ट हो गया कबीर सब कहंदे कोई नहीं कोई परवाह नहीं बस तू वल चाहिए बाबा नामदेव कल्ले ही निकल पे कोई गल नहीं धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास ते कोई ईगो बस होके नहीं निकले उन्होंने एक ते सेल्फ कॉन्फिडेंस सी दूजा अंदर पक्का विश्वास पता की सी ओ जीदी आराधना करदे आ ओ आराधना जीदी करदे ओ परमेश्वर भी ते नाल ही है ना जी
ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਓਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਓਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 819 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, 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 ਤਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ
बनाई। राम नाम औखद दिया हो, राम नाम औखद दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी। 14 और 15 अक्टूबर सवेरे 4 to 6 बजे तक 2 दिन का विशेष अमृत वेले का समागम रखा गया गुरद्वारा डेरा संत बाबा भगत सिंह जी NIT No. 1 फरीदाबाद विखे। मेरी सारी संगत के चरणों में बेनती है, जिहड़े तुसी रोज़ सुनते हो जरूर ये दोवें समागमों के आके हाजरियां भरो। और तुहानू सब नू पता है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जंग के मैदान के भी अमृत वेले का नेम नहीं सी छड़िया। और ये महापुरखों के बचन ने कहिंदे अमृत वेले गुरु पिता जी के चरणों के लाई हुई अर्जी की हुई अरदास गुरु पिता जी सुनते नहीं, गुरु पिता जी मन लेंदे ने। आओ भागा वाले हो जिहड़े तुसी रोज़ प्रेमी दिल्ली के प्रेमी गुड़गांव की संगत अलीगढ़ पानीपत सोनीपत और फरीदाबाद के प्रेमी जिथे जिथे भी तुसी प्यार विच सुनते हो सारे ये दोवें दिन अमृत वेले आके इस समागमों के हाजरियां भरो। और जिहड़ियां संगतां बाहरों आने वालियां ने उन्हां दी रिहायश का भी विशेष प्रबंध फरीदाबाद विखे किया जाएगा। समागम की जानकारी लई आप जी जो TV स्क्रीन के उत्ते तुहाडे नंबर चल रहा है इस नंबर के उत्ते संपर्क कर सकते हो। ये दोवें दिन का प्रोग्राम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी। आप जी के चरणों में सुनिमर बेनती, 20 अक्टूबर रात 7:30 to 9:30 तक गुरद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहब श्री अमृतसर साहब विखे महीनावारी शुकराना समागम होएगा। और सारे परिवारक मैंबरों के चरणों में मैं सुनिमर बेनती करदा सारे रुझेवियां नूं छड्ड के तुसीं इस समागम के दर्शन देने। और बहुत वड्डा स्थान है, सारिया संगतां नूं पता है जिस स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने, बीबी कौलां जी ने, बाबा बुढ़ा साहब जी ने, भाई बिधी चंद जी ने, सारे ये गुरु के प्यारियां ने चरण पाए, गुरु साहबाना ने चरण पाए। और बाबा अटल राय साहब जी इस जगह के उत्ते बचपन के खेडते सी। आओ इस पावन पवित्र अस्थान की चरण धूड़ी अपने मस्तक ते लाइए। और 20 तरीक का जिहड़ा सारा समागम असी इसे वास्ते शुरू किया सी कि जो गुरु बाबा नानक जी ने 20 दे लंगर की प्रथा शुरू की इसे चीज़ नूं मुख रख के 20 तरीक का समागम अमृतसर साहब की धरती से शुरू होया। और मेरा ये निजी विश्वास है कि जिहड़ियां संगतां आके इस समागम में हाजरियां भरदियां ने गुरु रामदास पिता जी बख्शिशां का खाता खोल के, बाबा नानक जी बख्शिशां का खाता खोल के उन्हां दियां कुल्लां तक लंगरां दी तोटा नहीं आउण देणगे, ये मेरा निजी विश्वास। और बेशक मैं इस समागम दे विच हाजरी भरन वास्ते इत्थे नहीं होना, असी 20 तरीक का समागम बाहर करना, 20 तरीक की हाजरी मेरी बाहरों लगनी। पर जिहड़े इत्थे रहण वाले प्रेमी ने, इंडिया च रहण वाले प्रेमी ने, तुसी नागा नहीं किसे ने करना, महीना कत्त के सारिया संगतां ने इस समागम में पहुँचना। बहुत सारे गुरु के प्यारे कीर्तनीय आके आप जी के दर्शन करेंगे। और इस संगत वालों ही मैंने हुक्म होया सी कि बेशक भावें तुसी बाहर प्रचार फेरी ते गए होवो
20 तरीक की रूटीन वंदना करियो ते संगत दा हुक्म मंदिया होया इस समागम 20 अक्टूबर रात 7:30 तो 9:30 बजे तक गुरुद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहब श्री अमृतसर साहब विखे होएगा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।